जय माता की। दोस्तों, आज मैं आपको ब्रह्म मुहूर्त में एक ऐसा मेडिटेशन बताने जा रही हूँ जिसे करने के बाद आप अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को बहुत जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी विश आपकी अगर अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रही है, तो उसे प्राप्त कर सकते हैं। आने वाले 9 दिन माता के नवरात्रि में अगर आप इसे करते हैं तो आपको 9 दिन में आपकी इच्छा 100% नहीं 1000% पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर नवरात्रि के बाद आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो उस समय में आप 21 दिन का ये मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। कैसे करना है वो सारी बातें मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। तो आपको ये करने के लिए 2 टाइम सबसे ज़्यादा बेस्ट है, या तो आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते उठते करेंगे या फिर रात को सोने के पहले करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं और उसको पूरी तरह से मेडिटेशन के तौर पे करते हैं तो आपको बहुत जल्दी फल प्राप्त होते हैं, और रात को सोने के पहले भी करते हैं तो आपको बहुत जल्दी फल की प्राप्ति होगी। ये नवरात्रि आपको वो सारी इच्छाएं पूरी करके देगा जो आप पूरा करना चाहते हो। इसके लिए सबसे पहला काम आपको करना है कि नवरात्रि में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सूर्योदय के 1.5 घंटा पहले आपको उठ जाना है और उसी बीच ये क्रिया संपन्न कर लेनी है। उठकर और उसके बाद आप बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लें, आँखें बंद करें और ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं। आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएं और माता को याद करें। ध्यान करें कि माता स्वयं आई हैं आपको आशीर्वाद देने, और उसके बाद आप अपनी विश को याद करें, उसे विजुलाइज कर दें प्रेजेंट टेंस में कि वो आपका विश पूरा हो चुका है और माता स्वयं आई हैं आपको आशीर्वाद दे रही हैं और आप उन्हें थैंक यू बोल रहे हैं अपनी विश पूरा होने के कारण। और आँखें बंद करके आपको धीरे धीरे सांस लेनी है, लंबी गहरी सांस लेनी है। विजुलाइज करने के बाद आप पूरी तरह से अपने आप को खुश फील कीजिएगा, अपने चारों तरफ एक पॉजिटिव एनर्जी फील कर पाएंगे आप। और उसके बाद धीरे धीरे आपको अपने आप में खोते चले जाना है। आंखें बंद रहेंगी आपके और उस समय में आपको कुछ भी ध्यान नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अपने विश को ध्यान में करते हुए बस अपने अंदर की उस संगीत को सुनना है जो आपके अंदर हमेशा चलते रहता है। और उसके बाद इस मंत्र के साथ लीन हो जाना है माता के भक्ति में। धीरे धीरे ये मंत्र चलता रहेगा और आप ये मंत्र मन में दोहराते रहेंगे, और ये करना है आपको 9 दिनों तक लगातार। अगर नवरात्रि के बाद ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आपको किसी भी शुक्रवार या बुधवार से शुरू करके 21 दिनों तक लगातार ये करना है। आपकी कठिन से कठिन विश भी पूरी हो जाएगी माता के आशीर्वाद से, क्योंकि यह माता का बीज मंत्र है, मूल मंत्र है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप बैठ जाइए, आप हाथ पैर धोकर भी बैठ सकते हैं, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी तरह से स्नान करके ही बैठे। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो बस हाथ पैर धो लें, स्वच्छ वस्त्र ज़रूर होना चाहिए आपका। याद रहे मांस मदिरा का पालन करें, ये सब चीज़ ना खाएं उस समय में जिस समय आप ये साधना कर रहे हो, उसके बाद ही ये करें। रात में जब भी आप करते हैं तो दिन में ये चीज़ ना खाएं। आइए स्टार्ट करते हैं। ओम दुम दुर्गाई नमः। ओम दुम दुर्गाई नमः। ओम दुम दुर्गाई नमः। ओम दुम दुर्गाई दुर्गाई नमः।
दुर्गाई नमः। ॐ दुम दुर्गाई नमः। ॐ दुम दुर्गाई नमः। ॐ दुम दुर्गाई दुर्गाई नमः। ॐ दुम दुर्गाई नमः। ॐ दुम दुर्गाई नमः। ॐ दुम दुर्गाई दुर्गाई नमः। ॐ दुम दुर्गाई नमः। ॐ दुम दुर्गाई नमः। ॐ दुम दुर्गाई दुर्गाई नमः। ॐ दुम दुर्गाई नमः। ॐ दुम दुर्गाई नमः। ॐ दुम दुर्गाई दुर्गाई नमः। ॐ दुम दुर्गाई।
दुर्गाई नमः। ॐ दुम दुर्गाई नमः। ॐ दुम दुर्गाई नमः। ॐ दुम दुर्गाई दुर्गाई नमः। ॐ दुम दुर्गाई नमः। ॐ दुम दुर्गाई नमः। ॐ दुम दुर्गाई दुर्गाई नमः। ॐ दुम दुर्गाई नमः। ॐ दुम दुर्गाई नमः। ॐ दुम दुर्गाई दुर्गाई नमः। ॐ दुम दुर्गाई नमः। ॐ दुम दुर्गाई नमः। ॐ दुम दुर्गाई दुर्गाई नमः। ॐ दुम दुर्गाई।
दुर्गाई नमः। ॐ दुम दुर्गाई नमः। ॐ दुम दुर्गाई नमः। ॐ दुम दुर्गाई दुर्गाई नमः। ॐ दुम दुर्गाई नमः। ॐ दुम दुर्गाई नमः। ॐ दुम दुर्गाई दुर्गाई नमः। ॐ दुम दुर्गाई नमः। ॐ दुम दुर्गाई नमः। ॐ दुम दुर्गाई दुर्गाई नमः। ॐ दुम दुर्गाई नमः। ॐ दुम दुर्गाई नमः। ॐ दुम दुर्गाई
दुर्गाए नमः। ओम दुम दुर्गाए नमः। ओम दुम दुर्गाए नमः। ओम दुम दुर्गाए दुर्गा।
गाई नमः। ॐ दुम दुर्गाई नमः। ॐ दुम दुर्गाई नमः। ॐ दुम दुर्गाई दुर्गा।